Welcome everyone, this is Anirudh from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss full day diet plan for vegetarian people in bulking season. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फुल डे वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर बल्किंग सीजन, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि वेज डाइट का पूरा डे का आप कोई डाइट प्लान बना के दीजिए और जल्द से जल्द वीडियो पोस्ट करिए। आज ही मुझे एक मैसेज आया, तो ये वीडियो आपके लिए है जिन्होंने मुझे आज मैसेज किया। तो पहले देखेंगे वेजिटेरियन डाइट के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ वेजिटेरियन डाइट में क्या होता है। जो प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है वो कम रहता है या नहीं के बराबर रहता है ज़्यादातर लोग जो डाइट खाते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ये क्लेम करते हैं कि वेजिटेरियन डाइट खा के अभी आप बॉडी बना सकते हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो पहले लॉन्च कर चुका हूँ जिसमें मैंने वेजिटेरियन डाइट प्लान की थोड़ी सी मैंने बुराई कर दी थी, बिकॉज मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ तो मुझे पता है कि नेचुरली सिर्फ विदाउट सप्लीमेंट वेज डाइट में ज़्यादा अच्छी बॉडी नहीं बन सकती। या आप लोगों में से कोई भी कर रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट उसे चाहिए। बिकॉज मैं भी बचपन से वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स भी नहीं खाता हूँ, मतलब कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि रियल फूड के नाम पर हमें प्रोटीन वाला कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप विदाउट सप्लीमेंट वेज डाइट में बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलता, आप सबको पता है। और मेरा स्टोर है इसलिए मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स को मैं प्रमोट करूँ, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने सारे वेज डाइट की बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता। लोगों को वेजिटेरियन फूड के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैं पहले बना चुका हूँ। उससे आपको क्या होगा, आपको नॉलेज आ जाएगा कि वेजिटेरियन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर बल्किंग सीजन, जिसमें आप गेन करेंगे, मसल बिल्डअप करेंगे। तो पहले सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के क्या करेंगे, जब आप फ्रेश होने के पहले लेंगे एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, नॉर्मल पानी में आप ले सकते हैं, ये पियेंगे फिर आप फ्रेश होंगे। उसके आधे घंटे बाद आप दिन का पहला मील लेंगे। पहले मील में आप क्या करेंगे, आप लेंगे 50 ग्राम ओट्स का पाउडर, ओट्स को पहले पीस लीजिएगा, उसका पाउडर लेंगे, एक बनाना, एक चम्मच पीनट बटर और एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, आपकी मर्जी कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसको जो टोन्ड मिल्क आता है उसमें ब्लेंड करके आप पी लेंगे। तो ये नियर अबाउट लाइक 7 o'clock के आपके आसपास इसका आपका डाइट ले लेंगे। अब उसके बाद 2 घंटे बाद नियर अबाउट 9 o'clock आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप, लोग बहुत ज़्यादा मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ये सब प्रमोट करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। बिकॉज कोई भी हमारे जो इंडिया में ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड बनता है वो प्रॉपर तरीके से व्हीट से या मल्टीग्रेन से नहीं बनता, उसमें काफ़ी सारा मैदा होता है। इसलिए आप घर का जो रोटी है वो खाइए, 2 से 3 रोटी आप खाइए, और क्या करिए उसके साथ में ऐड करिए थोड़ा सा पीनट बटर। अगर नहीं आप ले पा रहे हैं तो क्या करिए, 1 मुट्ठी भर पीनट्स खा लीजिए। साथ ही में क्या करिए, 50 ग्राम पनीर खाइए और थोड़ा सा फ्रूट्स खा लीजिए। फ्रूट्स वो भी कौन से बता देता हूँ, एप्पल, मौसम्बी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, ये चारों में से आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। ये हो गया आपका, और साथ ही में खाइए 5 almonds खा लीजिए आप साथ में, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा जिससे काफ़ी देर तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ये हो गया 9 बजे। अब 11 बजे आप क्या करिए, आप लीजिए 100 ग्राम स्प्राउट्स, ठीक है, जो 1 मुट्ठी भर हो जाएगा स्प्राउट्स। आप उसको स्प्राउट बनाइए घर पे ही, उसको ले लीजिए, साथ में लीजिएगा 100 ml टोन्ड कर्ड। बस हर 2 घंटे में हमें मील लेनी है। अब क्या करेंगे, अब ये होके थोड़ा पेट ज़्यादा भर जाएगा तो हम लंच करेंगे 2 बजे के आसपास। लंच में क्या करेंगे, हम 100 ग्राम पनीर लेंगे, साथ में 2 चपाती, राजमा लेंगे 1 बाउल, या फिर आप चना कोई सा भी जैसे काले चने रहते हैं वो ले सकते हैं, या कोई भी दाल 100 ग्राम का 1 बाउल ले लीजिएगा आप। साथ में खूब सारा सैलड खाइए। और गाइस एक चीज़ का मिथ आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग टोफू बहुत प्रमोट करते हैं बीइंग वेजिटेरियन, लेकिन गाइस जो मेन है उनके लिए टोफू उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज एस्ट्रोजन ट्रिगर करता है। इसलिए क्या करेंगे आप, पनीर पे ही अच्छा आप मेंटेन कर सकते हैं डाइट, तो टोफू में जाने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो जो टोंड वाला जो आपका पनीर है वो यूज़ में लाइए। अब आपका लंच हो गया 2 बजे के आसपास। अब क्या करिए आप करिए सीधे 4-4:30 बजे एक स्नैक करिए, जो स्नैक आपका प्री वर्कआउट मील रहेगा। और जब आप प्री वर्कआउट मील लेंगे उसके 1 से 1.5 घंटे बाद, जब आपका लगेगा आपका पेट हल्का हो गया,
तभी वर्कआउट करने जाइए, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं 30 मिनट्स पहले खा के चले जाते हैं और जिम में जाके फिर उनको उल्टी आती है, बिकॉज पेट में जब प्रेशर आता है तो उल्टी आती है, डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है। तो 4 to 4:30 आप कभी भी अपना मील ले सकते हैं। इसमें लेंगे 1 रोटी 1 बनाना और 5 आलमंड्स ले लेंगे आप, ठीक है, ये ले लेंगे 1.5 घंटे पहले। 1.5 घंटे के बाद आप जब जिम हिट करेंगे उसके बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन फिर से आप लीजिएगा, बिकॉज उस टाइम पे आपको रिकवरी की जरूरत है, लेकिन इस टाइम आप पानी में लीजिएगा वे प्रोटीन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डिनर करेंगे, डिनर नियर अबाउट 8 o'clock कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। जब बल्किंग सीजन है तो हमें ज्यादा खाना है, मील ज्यादा रखना है, और मैं जल्द ही एक श्रेडिंग का भी प्लान बनाऊंगा वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे, फिर 8 o'clock के आसपास आप डिनर कर लेंगे। डिनर में खाएंगे 100 ग्राम पनीर और साथ में खाएंगे 1 रोटी, खूब सारा सैलेड और 50 ग्राम के आसपास राजमा या कोई सा भी दाल, ठीक है, और सैलेड ज्यादा खाइएगा बिकॉज फाइबर्स की हमें जरूरत रहती है। अब क्या करेंगे, अब जब आप सोने जाएंगे, जैसे 10-11 बजे आप सो रहे हैं, सोने के आधे घंटे पहले आधा स्कूप आप वे प्रोटीन लीजिएगा स्किम मिल्क में, जो भी टोन मिल्क रहेगा उसमें आप लीजिएगा, और फिर सो जाइएगा आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप, बिकॉज आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो रात को जल्दी सोइए, तभी आप अपने मील्स पूरे कंप्लीट कर पाएंगे। अब स्पेशल एक चीज़ है बल्किंग सीजन के लिए, स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा और अलार्म लगा के उठना पड़ेगा अगर आप बहुत हार्डकोर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। मैं भी यही करता हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर के मेरे इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी सारी स्टोरीज डालता था मेरे मिडनाइट स्नैक्स की, तो रात को अलार्म लगा के मैं उठता था, और साथ में उस टाइम पे क्या खाएंगे, पनीर खाएंगे नियर अबाउट 50 ग्राम के आसपास, और साथ में खाएंगे थोड़े से वेजिटेबल, सॉटेड उसके साथ भी कर सकते हैं या फिर अपन कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे ककड़ी, गाजर, टमाटर, जो भी आपको पसंद हो, फिर आप सो जाइए। अब दिन भर का जो आपका डाइट है ये प्लान हो गया। अब थोड़ा सा क्या करिए, न्यूट्रिशन में थोड़ा सा और ऐड करिए, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो फिर जो वेज ओमेगा 3 आता है, जो फ्लेक्सीड का ऑयल रहता है उसका ओमेगा 3 कैप्सूल आता है, वो ले लीजिएगा आप एक दिन में कभी भी ऐड कर लीजिए। साथ में एक मल्टीविटामिन ऐड करिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके सपोर्ट के लिए। और ऐसे ही आप मेंटेन करेंगे नियर अबाउट ये 6 वीक का डाइट प्लान रखिए। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये तो मैंने एक नॉर्मल सबके लिए बताया हुआ है, आपको परफेक्ट डाइट प्लान बनाना है तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप अपना BMI रिपोर्ट निकालिए, जितना भी आपके BMI निकलेगा उससे 200 कैलोरीज बढ़ा दीजिए आप डाइट में अपने, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा खा नहीं सकेंगे, आपको आदत नहीं होगी, तो क्या करेंगे 200 कैलोरीज बढ़ा देंगे, और एवरी वीक आप जितने दिन तक आपको बल्किंग करनी है एवरी वीक 100 कैलोरीज बढ़ाते रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए, यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेरीज अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही मैं सब्सक्राइब वाला जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रोज के रोज वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।